से ज्यादा तगड़ा रास्ता हो रखा है, मैं कुछ नहीं देख रहा। बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इतना। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात वो बहुत ज्यादा थक गए थे, आज सुबह की मॉर्निंग देखो कितने ही सुंदर वेदर के साथ हुई है। हम जस्ट बादलों के बीच और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जस्ट उठे हैं, आप एक बार वेदर देखिए। एक बार मैं अभी फ्रेशन अप होता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, फिर आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ असली वेदर। हद से ज़्यादा सुंदर हो रखा है, कुछ भी तो नहीं दिख पा रहा। यहाँ से रिवर दिखती, पूरा शहर दिखता। रहे हैं सुबह के 8:30, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा यहाँ से ब्रेकफास्ट करने। और देखो मेरी बहन आ चुकी है, पर वो तैयार नहीं है तो अभी कैमरे के आगे नहीं आएगी। तो यहाँ से एक काम करते हैं, सीधा आपको ब्रेकफास्ट टेबल में मिलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हमारा गैंगटॉक में सेकंड डे। वैसे तो आज पहली बार हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, बट यस थैंकफुली आज थोड़ा सा मौसम खुल रहा है। जैसे कल इतनी बारिश थी, हमें आते मतलब ऐसा हो रहा था जैसे ही हम कार से बाहर निकल रहे बारिश, हम कार में तो बारिश नहीं हो रही, बाहर निकलती बारिश। इतना ज्यादा फॉग, तो मैंने आपको सुबह दिखाया था कि हद से ज्यादा फॉग है। अब देखो धीरे धीरे फॉग हट रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम ज्यादा घूमने जा पाएंगे। और अभी अभी हमने वेदर चेक किया, बारिश दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है 2 बजे के बाद दिखा रहा है, बट शायद हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऐसे तो बारिश में भी घूमने आए हैं। बारिश में घूमने का मजा अलग है, जैसे आपने कल देखा होगा, कल के ब्लॉग में इतनी अच्छी वो रिवर थी सामने मोमोस है, कितनी सुंदर। पर हाँ, मैंने आपको रात को बताना भूल गया कि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। जितने हम कितने किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर हम पहाड़ों पे आए, 10-12 घंटे लगा। इतना सुंदर, इतना आपने व्लॉग देखा होगा, हद से ज्यादा सुंदर होगा, हद से ज्यादा। अभी हमारा ड्राइवर थोड़ी देर में आने वाला है, हम अपने बैग्स पैक करते हैं और सीधा आपको गाड़ी में मिलते हैं। गाइस, हमारा ड्राइवर आ चुका है, लिफ्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। और 10 बजे का टाइम था हमारे ड्राइवर का, बट 10-15 मिनट लेट तो सब हो ही जाता है। और सबका कुछ छूट ही जाता है। आज हम आपको गैंगटॉक की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह दिखाएंगे, जैसे कि रोप वे है, यहाँ की मॉनेस्ट्री है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ की हर एक चीज, सब कुछ बताएंगे। क्या खा सकते हैं, कितना अच्छा खाना है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और ये देखो हमारी लिफ्ट अटक गई, बताओ हमारी किस्मत इतनी खराब है, हमें आने में 10 घंटे लगते हैं। ओ आ गई, चलो नाइस। और अब हम जा रहे हैं नीचे, ये है मेरी बहन। I'm so excited. देखते हैं आज का दिन कैसा होता है, आपको भी दिखाते हैं। चलो बाहर जा रहे हैं, देखो वेदर काफी साफ दिख रहा है, बाकी चीजें देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। चलो गाइस, अभी 10:30 बजे हम रोप वे पे आए थे। वैसे टाइमिंग 9 बजे की है, बट पता नहीं आज किस वजह से बंद मिला है, तो अब हम कहीं और जाते हैं। अभी मौसम साफ था तो घूम भी सकते थे, अब पता नहीं कि किस हिसाब से जा पाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। भैया भी कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, अब देखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, अब जैसा भी होगा आपको बताते हैं। सो अब हम जा रहे हैं केबल कार के दूसरे एंड पे। जैसा कि हमारे ड्राइवर भैया ने बताया है कि मे बी नीचे वाला गेट खुला हो, तो वहाँ पे जाके चेक करते हैं। इफ़ हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम आपको अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रोप वे पे, बट अभी आधा घंटा में लगेगा क्योंकि कुछ तो इनका मेंटेनेंस चल रहा है। तो अभी देखें कितने सुंदर व्यू पे वेट कर रहे हैं। पहले हम ऊपर वाले पॉइंट पे गए, वहाँ पता चला बंद है, फिर जैसे तैसे करके हम नीचे आए जहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पता चला है कि खुल जाएगा, बट आधा घंटा लगेगा। ठीक है, वेट कर लेंगे, अब बर्थडे है, क्या कर सकते हैं। और इस व्यू के साथ तो कितनी भी देर वेट कर सकते हैं। और आज हमारी किस्मत अच्छी है कि मौसम बिल्कुल साफ है, तो व्यू बहुत अच्छे हैं और हम इंजॉय कर पाएंगे, वरना इतना फॉग था यहाँ पर सुबह से कि हम कुछ नहीं दिख रहा था हमें। कल तक हम ये सोचते थे क्या घूमेंगे, पैसे बर्बाद ही होने हैं, बट हाँ फाइनली थोड़ा मौसम खुला है, होप की बारिश ना हो, ऐसे ही धूप में ज्यादा सुंदर लगता है। तो अब हम रोप वे तो नहीं जा पाए क्योंकि पता नहीं कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, हम आधे घंटे वेट करते रहे पर कुछ हुआ नहीं। हम कौन सी जगह हैं? कुछ स्तूपा है जहाँ पर गैंगटॉक में काफी फेमस है, तो अभी ये कवर करते हैं, देखते हैं। आपको नाम मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमें भी नहीं आता, करना गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आप देखो यहाँ से इतनी लंबी सीढ़ियां में चल के जाना है, बहुत थकने वाला है, तो आपसे सीधा ऊपर जाके मिलते हैं क्योंकि अब बहुत चलना पड़ेगा।
सीढ़ियों पर मिलता हूँ। बाय। तो हम चढ़ के आ चुके हैं इतनी सारी सीढ़ियों पर। अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये ऐसा कुछ स्तूपा है यहाँ पर। इस वेदर में काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, बस थक गए। बस थक गए, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ। जिसको थोड़ी चलने की दिक्कत हो अवॉइड करना, बाकी आ सकते हैं, इजी है। हम आ चुके हैं, कौन सा वाटरफॉल है? बक्सांग वाटरफॉल करके है कोई एक वाटरफॉल रास्ते में, और अभी पानी बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए। बहुत ही सुंदर व्यू है, आप देखिए इतना प्यारा। हमारे फेस पे ना जैसे छींटे आ रही है, बहुत ठंडा ना पानी है। इसका व्यू देखो आप, इस व्यू में वेदर के साथ और क्या चाहिए? मोमोज चाहिए। हाँ, मोमोज भी दिखाते हैं और रिव्यू भी देते हैं कि यहाँ के मोमोज हैं या नहीं, थोड़ी देर में बताते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। हाय गाइस, अब हम दूसरी जगह आ गए हैं, एक मॉनेस्ट्री में। गुंजन मॉनेस्ट्री यहाँ की काफी फेमस मॉनेस्ट्री है, और अभी हम भी डाउट में हैं कि पता नहीं खुला है नहीं, क्योंकि आज हम सुबह से जहाँ भी जा रहे हैं सब बंद है। रोपे गए, हाँ आपको रोपे नहीं दिखा पाए क्योंकि रोपे बंद था। उसके बाद हम एक और जगह गए हैंडलूम के लिए, वहाँ भी बंद था। सब बंद है, जहाँ देखो वहाँ बंद है। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम आज के दिन नाथूला पास जाएंगे, वो भी बंद है। गवर्नमेंट ने सारे परमिट कैंसिल कर दिए, हम जाते जाते रह गए वहाँ। एंड हमें बहुत बुरा लग रहा है, सिक्किम इतनी दूर है और यहाँ की इतनी फेमस जगह नहीं देख पाए। पर इसका एक फायदा ये भी है कि हम फिर से आ सकते हैं सिक्किम इन फ्यूचर में भी, कि एक यू नो लालच रहेगा लेकिन ये रह गए। तो इससे आज हमें लोकल साइट सीन करना पड़ा जो कि मोस्टली बंद है, तो हमें मेरे तो हिसाब से सब ऐसा ही जाता। यहाँ का एरिया ऐसा कुछ दिखता है, तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लुकिंग परफेक्टली ब्यूटीफुल। लेट्स सी, अभी आपको यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं, शहर का बहुत सुंदर व्यू आता है। अभी अंदर जाके देखते हैं टिकट्स वगैरह कहाँ से लेनी है, या ये जगह खुली है नहीं खुली, जैसा भी होगा आपको बताते हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ से शहर का पूरा व्यू आता है, इतना सुंदर है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना ठंडा मौसम है। आप हवा की आवाज़ सुन पा रहे हो, इतनी तेज हवा है, हर तरफ बादल ही बादल, बादल बादल। आप यहाँ ऊपर की साइड देखो, यहाँ पक्का तगड़ी बारिश हो रही होगी, बहुत ही ज्यादा। मॉनेस्ट्री यहाँ पे ऐसी है, ये शायद बंद है, शायद अगर अंदर गए, वैसे भी अंदर वीडियो बनाना फोटो खींचना अलाउड नहीं होता, बाहर से ही देख लीजिए, काफी ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये व्यू ज्यादा सुंदर व्यू है कि क्या बात है, मैं एक घंटा यहाँ बैठे रहूँ पता भी ना चले, इतना ज्यादा। थोड़ी देर व्यू एंजॉय करते हैं, फिर आपसे गाड़ी में लगा। तो गाइस, हम मॉनेस्ट्री से तो निकल रहे हैं, अच्छी थी, अंदर का हम आपको दिखा नहीं पाए, वैसे काफी सुंदर थी, हवा बहुत अच्छी है, मौसम थोड़ी सी गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी भी आप हवा देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा अच्छी हवा चल रही है, सच में इतना अच्छा फील हो रहा है ना। अब हम अगली जगह की तरफ जा रहे हैं, जैसा भी टैक्सी वाला बताता है कौन सा पॉइंट है, शायद एक और व्यू पॉइंट है और एक वाटरफॉल और है, जैसा आपने पिछला देखा बंजात्री वाटरफॉल, वो भी बहुत सुंदर था। अब हम देखते हैं, ओके नहीं एक और है, तुम्हें नहीं पता। हाँ, एक यहाँ ना बहुत सारे वाटरफॉल है, एक बंजाकरी है, एक बक्तांग है, हम बक्तांग जाते हैं। अब हम एक और जा रहे हैं, इसका नाम हम आपको आगे वाली वीडियो में बता देते हैं। तो अब सीधा हम टैक्सी में मिलते हैं आपसे। तो हम नई जगह आए हैं, ताशी व्यू पॉइंट, जिसकी सीढ़ियाँ बहुत लंबी, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, और आगे भी हद से ज्यादा लंबी हैं। हम थक चुके हैं, क्योंकि ऐसे स्टीप है। ये देखो यहाँ से चढ़ते हुए और ऊपर जाना है हमें, सांस फूल रही है हमारी बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर मिलते हैं। चलो भाई चलते, चलो कैसा लग रहा है? थक,
क्या लगता है कुछ दिखेगा? मेरे को तो बादल दिख रहे हैं हर जगह। मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसे मौसम में आओ तो थोड़ा प्लान कैंसिल कर लो या रीशेड्यूल कर लो। हम तो कर नहीं पाए। हाँ, क्योंकि रोप वे बंद है, बहुत सी चीजें बंद है। हाँ, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इतना चल के आके, इतनी दूर आके। ये देखो पूरा फॉग है, कोई व्यू पॉइंट का फायदा नहीं है। ये है कंचनजंगा। ये नहीं कंचनजंगा, जिसमें सिर्फ ये क्या देखते हैं, बादल दिखते हैं। तो बिग डिसअपॉइंटमेंट, बहुत दुख हो रहा है, इतना ऊपर चल के आए, इतनी दूर आए, बट कुछ नहीं दिखा हमें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मौसम एंजॉय करेंगे और मैगी खा सकते हैं। कुछ खा ही, हम सबसे यही कर रहे हैं, या तो मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। और कुछ खुला नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। बिग डिसअपॉइंटमेंट, फ्लड्स ने शायद सब कुछ स्पॉइल कर दिया है। वैसे तो ये एरिया अनअफेक्टेड है, बट स्टिल। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा गैंगटॉक के बारे में अगर कोई भी न्यूज फैला तो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है, अनअफेक्टेड है। बट ये क्या अफेक्टेड है कि आपको चीजें नहीं देखने, एज अ टूरिस्ट आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ये देख लो कंचनजंगा। और नए वाटरफॉल आ गए हैं जिसका नाम है लहासा वाटरफॉल। हाँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पानी हद से ज़्यादा साफ है और ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी। यहाँ अभी ये जस्ट गिरते गिरते बची है, और बची है जस्ट, वरना हम तीनों। अगर यहाँ आप इन वाले स्टेप्स पे चलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें, और बाकी इसके बाद एक सिनेमैटिक शॉट देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे मैगी खाने का ना मज़ा ही अलग है, और बहुत टेस्टी बनाई है, थोड़ी स्पाइसी। एंड अब मैं इंजॉय करती हूँ मैगी अपने सुंदर से। हमारे एक और व्यू पॉइंट पे, विच इज प्लांट कंजर्वेटरी गैंगटॉक। अब हमें भी नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। चलो, पर एक चीज अच्छी है कि ये हमें खुला मिल गया, वरना जहाँ देखो ये बंद है, संडे बंद है, संडे बंद है। आप जाके देखते हैं इसमें क्या है और आपको भी बताते हैं। लग तो सुंदर रहा है बाकी जन। ये प्लांट कंजर्वेटरी जहाँ पे भी हमने एंट्री किया, 20 rupees पर पर्सन टिकट है। देखते हैं कितना वर्थ इट है, अगर कम था तो हमने सोचा कि चलो ट्राई तो करके देख ही लेता हूँ। ऐसा रास्ता है, दोनों तरफ से पाथवे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, प्लांट्स है। और ना बहुत वैसे तो शांति बोलूँगी मैं, बट ठीक है, कुछ कार जा रही है, इट्स प्रीटी। और बोल रहे हैं शायद ऊपर वाटरफॉल भी होगा, जहाँ पर बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। आप चाहो अगर नेचर के करीब है ना तो आप आ सकते हो। बाकी ऊपर जाके दिखाते हैं आपको क्या, ऊपर शायद वाटरफॉल है, वो भी आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं इतना प्यारा, बिल्कुल जंगल वाली वाइब है। जो क्रिकेट वगैरह होते हैं उनकी आवाज सुन रही है, इतनी खामोश यहाँ पे, और पूरा ग्रीन है। अभी हम दोनों चुप होता है, शांति सुनो। हद से ज्यादा, जिसको नेचर पसंद है उसके लिए मस्ट विजिट प्लेस, बहुत सुंदर है। इधर देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, देखो पूरा ग्रीन है, और हम इसके बीच में जैसे वेव बने हुए उसमें से ऊपर जा रहे हैं। और आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ से एक दूसरा रास्ता निकल रहा है, यहाँ से ऊपर चले जाएं, यहाँ से हम आए, आप यहाँ से चले जाओ, पीछे एक वाटरफॉल है और एक छोटी सी नदी सी बनी हुई है, बहुत कुछ है। हम फाइनली वाटरफॉल पहुँच गए हैं, हद से ज्यादा सुंदर, और बिल्कुल ही ड्रीम है, जैसे इतना इतना ज्यादा सुंदर है। ये देखो आप वाटरफॉल, यहाँ पे एक तो लोग नहीं है कोई भी हमारे अलावा, और साइड से इतना प्यारा फॉग आए जा रहा है, इतना प्यारा, इतना प्यारा। शांत होकर आवाज सुनो उसकी, ऐसा लग रहा है कोई ना मूवी चल रही है और हम बस वहीं पे बैठे हैं, इतना इतना प्यारा है। इतना मन कर रहा है कि यहाँ बस इतनी ही देर खड़े रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, मतलब यहाँ अगर आपको आना है तो यहाँ जरूर आना है, और अपने लिए कुछ एक दो चीजें ले आओ और आराम से बैठो, दो घंटे बैठो ना, कितनी देर बैठो, बहुत कम लगेगा। बहुत अच्छा है, आपसे ना पानी की स्प्रिंकल्स आएंगी, इतनी अच्छी हवा है यहाँ पे, फॉग शुरू हो गया, ध्यान आ गई, इतना प्यारा है, हद से ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम ये व्यू एंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। चलो,
हाय गाइस, तो हम यहाँ जहाँ आए थे घूमने, यहाँ इतनी तेज बारिश आ गई है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ा, बट हम एक बहुत ही सुंदर सी नर्सरी टाइप की जगह है, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे नेचुरल प्लांट है, सब इसमें बहुत ही सुंदर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग प्लांट्स हैं और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल बह रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम नीचे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एमजी मार्ट, बट अभी यहाँ पे बहुत बारिश है तो थोड़ा सा वेट करो, कम हो जाए फिर हम आपसे वहीं से मिलते हैं। इतनी तेज हवा चल रही है और एकदम से ही फॉग, इतना ज्यादा फॉग आ गया। ये जगह फेमस थी अपने सिटी व्यू के लिए और अब मेरे को लगता है सिटी के नाम पे कुछ नहीं दिखेगा, इतना ज्यादा फॉग, पर हद सुन, बहुत ज्यादा। मैं गणेश टॉक, चलो यहाँ भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जो भी दिखेगा मतलब, पर आप यहाँ से एक बार हवा देखो इतनी तेज। हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, एक्चुअली अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पॉजिटिव से ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ, बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर आइए, बहुत अच्छी जगह, ऑन रोड है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इधर उधर से आने के लिए, और आप अच्छा पीस महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत इतने अच्छे अच्छे हमारे मंत्र चलते रहते हैं संस्कृत के, बहुत अच्छा लगेगा। आप पीछे व्यू देखो, इतना सुंदर व्यू है और उसके साथ ये मंदिर है, मंदिर बहुत ही सुंदर है, आपको आना चाहिए। ये देखिए आप, कितना ही सुंदर मंदिर है, हद से ज्यादा। अभी फॉग की वजह से हम क्लियर वो नहीं दिखा सकते आपको गैंगटॉक सिटी का व्यू, वरना यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू दिखता है, फॉग दिखा सकते हैं, फॉग जरूर दिखा सकते हैं, वो हम जरूर दिखाएंगे, और आप वर्चुअली हमारे थ्रू यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। फॉग देखिए आप, कितना ज्यादा है, कितना बोले तो कितना ज्यादा कि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, हवा भी कितनी ज्यादा, देख के देख सकते हो, इतनी तेज हवा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो यहाँ से अब सीधा गाड़ी में चलते हैं और जाएंगे हम यहाँ से एमजी रोड, वहाँ कराएंगे अच्छी अच्छी शॉपिंग आपको भी, और अच्छा अच्छा खाना दिखाएंगे, वहाँ मिलते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं आज की गैंगटॉक की सबसे फेमस मोमोज की दुकान पर, जिसका नाम है शफल मोमो। तो मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से आपको बताऊँगा कि यहाँ का टेस्ट सही में अच्छा है या बहुत ज़्यादा ओवरहाइप है, क्योंकि मैंने एक दो जगह खाए जाके मुझे लगता है बहुत ओवरहाइप है। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ के मोमोज एक्चुअली में कैसे मिलते हैं, सीधा मोमोज की प्लेट के साथ। तो अभी हमने खाए शफल मोमोज, इससे पता है बहुत ओवरहाइप है, आप भी उसे खाओगे बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब मुझे भी कुछ बहुत वो अलग नहीं लगा, मतलब एक चीज देख सकते हो कि व्यू अच्छा मिल जाएगा यहाँ के बालकनी से आपको, बट टेस्ट कैसा लगा, नहीं ना, वो मज़ा नहीं आया, और अगर आप दिल्ली से हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाय गाइस, तो हम आ गए यहाँ पे इंडी रोड की मार्केट में, तो और अभी हमने ना एक जगह के मोमोज खाए, रोल हावर्स नाम है इसका, बहुत ही बढ़िया, ये है यहाँ पर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शफल मोमोज से लाख गुना अच्छे हैं, शफल मोमोज ओवर हाइप है बहुत ज़्यादा, बस व्यू के लिए आप जा सकते हो, पर अगर टेस्ट चाहिए, तीखा पन चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इतनी ज्यादा फॉग आपको कैमरे में दिख रही होगी, इतनी ज्यादा में कुछ नहीं दिख रहा है, हम बस चलते जा रहे हैं। हाँ हाँ, अब आपको गाड़ी की रोशनी में दिख रही होगी कितनी ज्यादा फॉग, हाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा बेसिकली, आप रास्ता देखो, इट्स फन बट हद से ज्यादा रिस्की। अब हम आपसे मिलते हैं अपने होटल पहुंच के, बस एक पहुंच हद से ज्यादा तगड़ा रास्ता और कर में कुछ नहीं दिखता, अब होटल जाके मिलते हैं। हाय गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने कमरे में, बस चेंज वेंज करके भी बैठे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत नींद आ रही, तो इतना चल के आए हैं आज, पूरा दिन इतनी थकावट हुई, यहाँ गए वहाँ गए, सब बहुत थक गए, एंड यू वोंट बिलीव हमारे होटल में एंटर करते ही इतनी तेज़ बारिश हुई है, बट शुक्र है बच गए, हम नहीं भीगे, हम एंटर कर चुके थे,
अब बस सोएंगे, और क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी उठना है, दार्जिलिंग जाना है, देखना होगा रास्ता कौन सा खुला है कौन सा नहीं, वो मैं कल सुबह ही पता चलेगा जब हमारे ड्राइवर आएंगे, वो हमें बताएंगे। सो टिल देन अब हम थोड़ा सोते हैं और अब आपसे कल मिलते हैं।